आईपीएल 2020 के इस सीजन में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 84 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर ने 13.3 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की। आइए जानते हैं मैच में केकेआर की हार के 4 बड़े कारण। बुरी तरह से फ्लॉप हुई केकेआर की बल्लेबाजी। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो लिया, लेकिन महज 14 रनों के स्कोर पर टीम के टॉप 4 बल्लेबाज आउट हो गए। कप्तान ओयन मॉर्गन ने कोलकाता की पारी को संभालने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके केकेआर के धुरंधर। दो बार की चैंपियन केकेआर के बल्लेबाजों ने बेंगलोर के गेंदबाजी अटैक के सामने घुटने टेक दिए। कोलकाता के लिए कप्तान मॉर्गन के अलावा सिर्फ 3 बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े पर पहुंच पाए। उनके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन ने 19, कुलदीप यादव ने 12 और टॉम बेंटन ने 10 रन बनाए। मोहम्मद सिराज का कहर। इस मैच में पावर प्ले में गेंदबाजी करने आए सिराज की बॉलिंग के सामने केकेआर की टीम घुटनों पर आ गई। सिराज ने यहां केकेआर के खिलाफ 4 ओवर के स्पेल में 2 ओवर मेडन डाले, जो आईपीएल में कोई गेंदबाज नहीं कर पाया। 4 ओवर में महज 8 रन देकर 3 विकेट अपने नाम करने वाले सिराज को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। युजवेंद्र चहल का हमला। जब एक ओर से मोहम्मद सिराज कोलकाता के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, तो दूसरी ओर से युजवेंद्र चहल ने भी केकेआर के बल्लेबाजों पर सितम ढा दिया। चहल ने मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में महज 15 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए, जिसमें दिनेश कार्तिक का विकेट भी शामिल था। इस जीत के साथ जहां आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गई है, वहीं केकेआर की टीम अब भी 5वें पायदान पर मौजूद है। दोनों टीमों के बीच हुए एक तरफा मुकाबले को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।